मैं हूँ वंदे मातरम। आज स्वामी विवेकानंद विद्यानिकेतन नारायण नगर तरते में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट गणित प्रकरण परमेश मुख्याओं का योग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब परमेश मुख्याओं का योग के बारे में अध्ययन करते हैं तो आपके दिमाग में आपके मन में आया होगा कि परमेश संख्या किसे कहते हैं। तो परमेश संख्याओं की परिभाषा है पी बटा क्यू के वाली जो संख्याएं होती है परमेश संख्या ही कहलाती है, परंतु उसमें शर्त क्या है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। पी और क्यू का क्या होना चाहिए, पूर्णांक, तथा क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये परमेश संख्या की परिभाषा। अब अपन आज पढ़ रहे हैं परमेश संख्याओं का योग, तो दो परमेश संख्याओं का योग किस प्रकार हल करते हैं। देखिए 5/2 प्लस ब्रैकेट है माइनस 3/4 ब्रैकेट बंद। तो इन दोनों परमेश संख्याओं को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दी गई परमेश संख्या है दोनों परमेश संख्याओं के एलसीएम लेंगे, 2 और 4 की एलसीएम अपन लेते हैं 4, अर्थात अपन कहेंगे 2 और 4 जो हर हैं इन दोनों को समान करेंगे। तो 2 को भी 4 बनाना है, अर्थात 2 को किसे इंटू करेंगे, 2 को 2 से इंटू करने पर 4 बन जाता है, और इस दूसरी परमेश संख्या का हर 4 है। तो 2 को 2 से इंटू किया, मतलब हर को 2 से इंटू किया तो अंश को भी 2 से इंटू करना है, अर्थात 5 × 2 तो 10 हो गया, 2 × 2 = 4। इधर प्लस और माइनस को इंटू किया माइनस, दोनों के एलसीएम बराबर हो गए 4। अब दोनों के एलसीएम 4 हो गए, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1/4 और 10 से इंटू किया 10, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1/4 हमको 3 से इंटू किया -3, 10 - 3 इसको हल किया तो इसमें बड़ा कौन है, प्लस वाला, प्लस वाले में से -3 गए तो प्लस का 7/2 ये इसका आंसर था। इसी को ही आज हम संख्या रेखा के माध्यम से भी देखते हैं। संख्या रेखा जो ये दी गई है, इस संख्या रेखा में अपन यदि दाएं ओर चलते हैं 0 के दाएं ओर तो सब संख्याएं प्लस आरोही क्रम में होती है, आरोही क्रम में बढ़ती है, और यदि अपन बाएं तरफ लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वह अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम की संख्याएं आती हैं। तो अपन सबसे पहले अपनी संख्या है 10/4, तो 10/4 इसमें अपन ने पढ़ा तो 1/4, 2/4 इस प्रकार 10/4। इसके बाद वापस अपने हैं -3/4, तो माइनस की संख्या है अर्थात मैंने पहले कहा है कि लेफ्ट साइड में चलिए, जहाँ पहुँच गए वहाँ से लेफ्ट साइड और वही क्रम घटते क्रम, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में चलेंगे कितने -3, तो -3 चले -1 -2 -3 अर्थात अपान से क्या गया 7/4। तो संख्या रेखा के माध्यम से भी इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। इसी माध्यम से आप अन्य संख्याएं लेकर योग के माध्यम से परमेश संख्याओं को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।